खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। परिहासी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। विद्युत वितरण विद्युत केंद्र बरगवां के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मझीगवां के ग्राम परिहासी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां तार के बदले खंबे में ही लाइट आ जा रही है, जबकि खंबा राजेंद्र यादव के घर के एकदम पास में है, जिससे उनके बच्चे एवं राहगीर उस खंबे से होकर गुजरते हैं, जिससे लगातार जान माल का खतरा बना हुआ है। राजेंद्र यादव ने एनटीवी टाइम से गुहार लगाते हुए बताया कि हम लोग कई बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जबकि हमारी एक बकरी एवं एक बैल की मौत हो गई है एवं हमारे बच्चे को भी खंबे के पास जाने से लाइट का झटका लगता है, फिर भी बिजली विभाग आंख बंद कर बैठा हुआ है। आखिर में यह लापरवाही कब तक चलती रहेगी, अपने आप में अब गंभीर सवाल है, जिसका जवाब बरगवां जीई को देना होगा। लगातार जो जीवन है संकट में बना हुआ है, क्या समस्या है आपकी? हमको ये समस्या है कि लगातार खम्भा में डाल करके हमारा इतना इतना नुकसान हो गया। बच्चा भी, बकरी भी मर गया और बैल भी मर गया, लड़का भी मार दिया है लाइट जी। तो क्या आपने बिजली विभाग को कभी सूचना दिया है? बिजली विभाग की सूचना दिए, लाइट मैन की दिए और जो तने हैं उसको दिए, सुनवाई करते हैं। तो बिजली विभाग क्या बोली? वो कहते हैं कि आते हैं, कल आएंगे, परसों दिन आएंगे, नहीं आते हैं जी। तो आप क्या कदम उठाएंगे आप? हम क्या करें, हमारा इतना इतना नुकसान हो गया, बच्चा छौना मर गया, बैल की मार दिया, लड़का की लाइट मार दिया। दिखा दे कहाँ बा जी। जय साहब, देखिए आप तो हमेशा बोलते हैं कि पत्रकार हमको फंसाते हैं, लेकिन आप देखिए परिहासी का हाल है, परिहासी का हाल है। यहाँ पे देखिए खंभे से लाइट नीचे आ जा रही है और यहाँ पे बैल बकरी बच्चों की लगातार जो जीवन है संकट में बना हुआ है।